अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी फॉरेन कंट्री से, जब आप पाकिस्तान से कहीं भी लोग होते हैं तो आपको कितना अमाउंट बैकअप के लिए अपने पास रखना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बग़ैर किसी प्लानिंग के यहाँ मूव हो जाते हैं, बाद में यहाँ परेशान होते हैं, स्पेशली वो लोग जो फैमिलीज़ के साथ यहाँ आ रहे हैं। इंडिविजुअल तो फिर चले सर्वाइव कर लेता है किसी न किसी तरह, लेकिन फैमिलीज़ में बहुत इशूज़ आते हैं यहाँ पर। तो काइंडली जब भी मूव होने से पहले ये जहन में रखिएगा कि किसी भी कंट्री मूव होने का मतलब ये है 6 महीने अनस्टेबिलिटी रहेगी आपकी। 6 महीने बाद आपको समझ में आएगा कंट्री का कल्चर, वहाँ के एक्सपेंस, हर चीज़ जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इनिशियली जब आप वहाँ से निकलें तो मेरी गाइडलाइन के मुताबिक आपकी जेब में कम अज़ कम भी 8 से 10 हज़ार यूरो होने चाहिए। उसकी वजह यह है, जब आप किसी नए कंट्री में आते हैं तो सबसे पहला इशू जो आपको होता है रिहाइश का होता है, उसके बाद आपका खाना पीना, पहनना, आना जाना, ये सारे अखराजात होते हैं। तो इनिशियली पुर्तगाल में अदर कंट्रीज़ के मुकाबले थोड़ा सा टफ है क्राइटेरिया, क्योंकि फ़ौरन आपको जॉब नहीं मिलती कहीं पर भी ना। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर से पता है, एक तो पहली रीज़न ये है कि कंट्री आपके लिए बिल्कुल नया है, दूसरा हमारा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है, इंग्लिश जो आप बोलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंग्लिश ये बोलते ज़रूर हैं, वहाँ बोलते हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं वहाँ ये इंग्लिश चल जाती है, लेकिन नॉर्मली कोशिश इनकी यही होती है कि आपसे पुर्तगेज़ में बात करें। लोकल आपको जो भी मिलेगा तो आप उसकी कोशिश ये होती है कि वो आपसे पुर्तगेज़ में बात करें, और आपको भी रिप्लाई करना चाहिए उसूलन। तो बात ये होती है कि इनिशियली जो है ना आपको बहुत स्ट्रगल है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि अपने साथ कुछ अमाउंट रख के देखा है। मैंने आपको बताया 8 से 10 हज़ार इसलिए कि 5-6 महीने में अगर आप मंथली 500 से 600 रुपये भी खर्च करते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 6 महीने में कितने चले जाएंगे। तो लाजमी सी बात है, थोड़ा सा ये कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, बशर्ते कि आप हिम्मत ना हारें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने प्लान करके यहाँ मूव नहीं हुए, बाद में परेशान हुए और वापस इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके लिए लॉस है, एक तरह से बहुत बड़ा अमाउंट आप ज़ाया करें यहाँ आने के बाद वापस रिटर्न करना, तो कम अज़ कम भी 25-30 लाख रुपये का नुकसान है। तो कोशिश ये करिए कि अगर यहाँ आ रहे हैं तो पहले पूरा प्लान करके आइए, अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी प्लान करके आएँ, क्योंकि यहाँ जब आप फैमिली के साथ आते हैं तो घर मिलना सबसे बड़ा मुश्किल मरहला है, घर इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो दूसरी बात यह है कि शेयर जो हाउसेज होते हैं या रूम होते हैं या फ्लैट्स होते हैं तो उसमें बाज़ दफ़ा आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, माहौल फ़र्क होता है, ठीक है ना। और ज़ाहिर सी बात, जब फैमिली रहती है तो फैमिली के साथ कम्फर्टेबल होती है, ना कि ये कि लड़के रह रहे हों उसके साथ एक फैमिली रह रही हो, वो चीज़ नहीं हो पाती वहाँ पर। तो कोशिश ये करिएगा, जहन में ये रखिए कि आपको अपना बैकअप प्लान करके आना है, इनकेस अल्लाह ना करे कोई कंडीशन वर्स होती है तो आप अपने पास से कुछ इन्वेस्ट कर सके अपने ऊपर। क्योंकि ये याद रखिएगा, 2 साल में आपको बहुत सारे फेजेस को गो थ्रू करना है, उसके बाद जाके आप TRC कार्ड तक पहुँचेंगे। TRC कार्ड इतना आसान नहीं है, बेशक और कंट्री से आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना हमारे लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रगल करनी है 2 साल, ठीक है ना, तब जाके ये चीज़ आपके पास आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।